अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। 1989 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, करहल सहित मैनपुरी की सभी सीटों पर कमल खेलेगा, लगेगा जीत का चौका। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का तंज, कहा कहीं से लड़ ले नहीं जीतेंगे चुनाव। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए, कहा अखिलेश ने समाजवादी विचारधारा वालों को किनारे किया। सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, पहले सरकारी संपत्ति पर माफिया कब्जा करते थे, अब माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाती है सरकार। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला का परिवार सपा में शामिल हुआ, सपा की नीतियों से प्रभावित बताया। अखिलेश यादव ने कहा, परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी हमारा परिवारवाद खत्म कर रही है, बीजेपी को बधाई। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को खत लिखा, गोंडा के डीएम पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद, अपने साथियों के साथ सपा को समर्थन दिया। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने पांचवी लिस्ट जारी की, बिजनौर से नीरज चौधरी, रामपुर मनिहारन से विवेक कांत को उम्मीदवार बनाया। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम की चौथी लिस्ट जारी हुई, 3 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। एआईएमआईएम ने बुढ़ाना से भीम सिंह बालियान को, कुर्सी से कुमेल अशरफ खान को उम्मीदवार बनाया। यूपी चुनाव के लिए राहुल प्रियंका यूथ मैनिफेस्टो जारी करेंगे, दिल्ली में शुक्रवार को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस ने यूपी के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, 16 महिलाओं को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने साहिबाबाद से संगीता त्यागी और सयाना सीट से पूनम पंडित को मैदान में उतारा है। अब गोरखपुर सदर सीट पर होगी योगी से चंद्रशेखर आजाद की जंग, योगी की उम्मीदवारी का पहले ही ऐलान हो चुका है। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हुई, कहा लड़ने का हुनर रखती हूं पर कांग्रेस ने लड़ने का मौका नहीं दिया। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान समेत 16 पर केस दर्ज हुआ, प्रतिबंध के बावजूद भारी समर्थकों के साथ कर रहे थे प्रचार। जेवर विधानसभा से आरएलडी एसपी प्रत्याशी अवतार सिंह बढ़ाना ने फिर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कहा आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कोरोना नहीं। निर्भया केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। चुनाव के मद्देनजर एक्शन में यूपी पुलिस, एटा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 4 लाख से ज्यादा रुपए जब्त किए। आगरा में बीजेपी नेता सुग्रीव सिंह समेत 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ, आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। मथुरा से एसपी आरएलडी की उम्मीदवार बबिता देवी पर केस दर्ज हुआ, मीटिंग के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार और सतपाल महाराज चबट्टा खाल से मैदान में 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। सितारगंज से सौरभ बहुगुड़ा को टिकट, कांग्रेस से बीजेपी में आई सरता आर्या नैनीताल से उम्मीदवार। उत्तराखंड के लिए समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की, 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। समाजवादी पार्टी ने सीएम धामी के खिलाफ खटीमा से विजय पाल को उम्मीदवार बनाया, देवप्रयाग से सौरभ भट्ट को टिकट। गोवा बीजेपी के चुनाव इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप, सूटकेस लेकर नेताओं को खरीदने निकली थी टीएमसी लेकिन नहीं बिके। टीएमसी नेता सौगत रॉय का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार, कहा नेताओं की खरीद फरोख्त में बीजेपी माहिर है। गोवा के लिए बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों का ऐलान किया, सीएम प्रमोद सावंत साखेलम से चुनाव लड़ेंगे। साखली से उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, जनता मुझे फिर से चुनेगी, गोवा में बनेगी बीजेपी की सरकार। डिप्टी सीएम मनोहर अजगावकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे, गोवा की पणजी सीट से मौजूदा विधायक को टिकट। उत्पल परिकर के टिकट को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस, 2 सीट गई थी ऑफर, पहले से इनकार, दूसरी सीट पर बात बन सकती है। उत्पल परिकर को लेकर बोले सीएम प्रमोद सावंत, हमारे केंद्रीय नेता उनसे संपर्क में हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा मनोहर परिकर जिंदा थे तो केजरीवाल की भाषा दूसरी थी, अब चुनाव की वजह से भाषा बदल गई है। उत्पल परिकर को केजरीवाल का ऑफर, आपके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उत्पल परिकर के साथ खड़ी शिवसेना, संजय राउत ने कहा अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। गोवा में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर शिवसेना का तंज, पता नहीं कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। शिवसेना को कांग्रेस का जवाब, गठबंधन के लिए गठबंधन जरूरी नहीं, गोवा में कांग्रेस मजबूत और सशक्त। गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस की पांचवी लिस्ट आई, 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, पणजी से एल्विम गोम्स को टिकट दी। एनसीपी ने गोवा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, दाबोलिम से चुनाव लड़ेंगे जोस फिलिप। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान संगरूर जिले के धुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, राघव चड्ढा ने जानकारी दी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले भगवंत मान, पंजाब में जात पात पर वोट नहीं पड़ता। भगवंत मान ने नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज किया, कहा अमेरिका के चुनाव की तरह डिबेट कर ले। पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग से वर्चुअली मिला कांग्रेस डेलीगेशन, सीएम चन्नी और सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाए। पंजाब के विपक्षी दलों का सीएम चन्नी पर निशाना, कहा ईडी ने चन्नी के आम आदमी वाली छवि का भंडाफोड़ किया। पंजाब चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों का ऐलान, फगवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी।
प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में भारत के सहयोग से बने सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सिविल सर्विसेज कॉलेज भी शामिल। मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट में है भारत का सहयोग। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। कहा, दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं। देश का माहौल खराब बताने वालों पर बढ़ से प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र को बदनाम करने की बार बार कोशिश होती है। शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर तट से परीक्षण किया गया। भारतीय सेना ने साब के एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन का चयन किया। टैंक तक ध्वस्त करने की क्षमता है। जर्मनी के नेवी चीफ को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑनर भारतीय नौसेना प्रमुख से मुलाकात में आपसी सहयोग पर बात हुई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजपथ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कई और अधिकारी मौजूद रहे। अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ अब इंडिया गेट पर नहीं, नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी, सेना ने जानकारी दी। चीनी आर्मी के द्वारा अरुणाचल के युवक के अपहरण का मामला, चीनी सेना के संपर्क में भारत, सुरक्षित लौटाने की मांग। अरुणाचल प्रदेश से अपहरण हुए युवक पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हमें कोई जानकारी नहीं। राहुल गांधी का अटैक, पीएम की बुजदिल चुप्पी ही उनका बयान, चीन के कब्जे में है भारत का भाग्य विधाता। राहुल गांधी का ट्वीट, साइबर दुनिया में नफरत फैला रहे हिंदुत्ववादी, इस नफरत का डटकर सामना करना होगा। असम मेघालय सीमा विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम हेमंत बिस्व और सीएम कॉनराड संगमा। दिल्ली में मीटिंग हुई। गृहमंत्री शाह से मिलने के बाद बोले सीएम हेमंत बिस्वा, 26 जनवरी के बाद फिर से अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बुलीबाई ऐप केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उड़ीसा से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलीबाई ऐप मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। बीएचयू ने हिंदू धर्म पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की शुरुआत की। देश के किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है ऐसा कोर्स। तमिलनाडु के मंत्री एस मुधुस्वामी का बयान, युवाओं की स्किल डेवलपमेंट पर हमारी सरकार का फोकस। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों को मिली 198 एम्बुलेंस, 47 मेडिकल केयर यूनिट। स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। राजस्थान में लोन नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन नहीं होगी नीलाम, सीएम गहलोत ने निर्देश। 2020 दिल्ली दंगा केस में पहली सजा, दिनेश यादव को 5 साल के लिए जेल भेजा गया, एक घर में आग लगाई थी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर आतंकी जहांगीर नाइक को गिरफ्तार किया गया। अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में 35 साल के कैदी की संदिग्ध मौत हुई। मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई, आगे की जांच जारी। नवी मुंबई में बीसीसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लोगों से ठगी, एक के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई में फेक डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पोरीपल्ली से 2 की गिरफ्तारी। केरल में ओमिक्रॉन के 62 नए मामले आए। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 707 हुई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 125 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में कुल 2199 ओमिक्रॉन केसेस। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाजारों में बिक्री पर डीसीजीआई ने नहीं लिया है आखिरी फैसला, हेल्थ सेक्रेटरी ने जानकारी दी। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बयान, कोविड टीके की वजह से कोरोना से कम मौतें हुई, गंभीर रूप से कम लोग बीमार हुए। स्टेट्स ऑफ कंसर्न की लिस्ट में दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्य, सभी जगह केंद्र की टीमें भेजी गई। देश में करीब 9 महीने बाद कोरोना केसेस 3 लाख के पार हुए। 24 घंटे में 491 की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए केसेस, पिछले 24 घंटे में 29 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,000 से ज्यादा केसेस, 24 घंटे में 37 की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 5,708 नए केसेस आए, 12 संक्रमितों की मौत। केरल में भी कोरोना के 46,387 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 28,561 नए मामले, 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 9,957 केस मिले। यूपी में कोरोना के 18,500 से ज्यादा नए केसेस, राज्य में 97,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,615 नए केसेस मिले, 24 घंटे में कोरोना से 5 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस, 43 संक्रमितों की मौत। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत 300 रुपये तय हुई, रैपिड एंटीजन टेस्ट के देने होंगे 100 रुपये। झारखंड में भी 300 रुपये में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट के लिए मात्र 50 रुपये देने होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोविड की स्थिति की समीक्षा बैठक की। सभी प्रतिबंध 6 फरवरी तक जारी रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुलेंगे 1 से 12 तक के स्कूल। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए बोइंग 777 की सेवा शुरू की। बोइंग कंपनी की क्लियरेंस के बाद फैसला, 5G की वजह से उड़ाने स्थगित की थी। लाहौर के अनारकली बाजार इलाके में धमाका हुआ, हादसे में 3 की मौत, 28 लोग घायल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे टूटा। 1 डॉलर की कीमत 74.51 रुपये रही। सेंसेक्स में 634 अंक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी भी 181 अंक फिसला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।